नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर और मैं हूं आपके साथ में वसीम अकरम। जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव घोषणा हो चुका है और प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के लिए नामांकन, द्वितीय चरण तक का नामांकन हो चुका है, तृतीय चरण नामांकन और चतुर्थ के लिए जारी है। कांके क्षेत्र पर जो बात करते हैं, कांके पर द्वितीय चरण यानी कि 19 मई को दूसरे चरण के लिए यहाँ पर मतदान किया जाएगा। इस वक्त कांके क्षेत्र से कई प्रत्याशी अपना नाम दाखिल किए हैं चुनाव लड़ने के लिए, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए। आज 2 मई है, आज नाम वापसी का अंतिम तिथि था। इस वक्त हमारे साथ में एक कांके क्षेत्र के 19 से महिला प्रत्याशी फरीदा जी हैं, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर। फरीदा जी, आपका ताज़ा खबर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम फरीदा खातून, कांके दक्षिण माध्य 19 की प्रत्याशी हूँ। मेरे तरफ से सभी को बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो, और ख़ासकर 19 माध्य, दक्षिण 19 माध्य के प्रत्याशियों को मेरे तरफ से बधाई हो, ईद की बहुत सारी। जी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आप चुनाव पे आई हैं यहाँ पे, क्या सोच के आई कि यहाँ पे चुनाव है? आपको क्षेत्र पे क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पर कमियाँ खामियाँ है जिसे आप अगर जीतती हैं तो सबसे पहले उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करेंगी? मैं अगर जीत जाऊँगी तो सबसे पहले मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि जो भी गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब होने के कारण अभी तक स्कूल का मुँह नहीं देखे, उन बच्चों की आर्थिक स्थिति को सुधार के उन्हें स्कूल तक पहुंचाना मेरा पहला लक्ष्य है। और मेरे हस्बैंड संजय खान जी हैं जो समाज सेवा में आज से नहीं 25 साल से लगे हुए, उनको देख के भी मुझे ये प्रेरणा मिली है कि मैं कुछ करूं, और इसीलिए मैं ये पद के लिए खड़ी हुई हूं। अगर सब मुझे प्यार दिखाएंगे मेरे प्रति, मुझे बेटी समझेंगे, बहन समझ के वोट देंगे, तो मैं भी उनके दुख दूर करूँगी। आप एक मैडम महिला प्रत्याशी हैं और आजकल खास कर देखा जाता है महिलाओं के लिए कोई ऐसा नेतृत्व करता नहीं मिलता है, जिसके कारण महिला अपनी बात, अपनी समस्याओं को सक्षम व्यक्ति तक रख नहीं पाती है। एक महिला प्रत्याशी है, ऐसे में महिलाओं को किस तरह से आप ले कर चलना चाहेंगे? हाँ, ये समस्या तो सभी महिलाओं के साथ है, खुद मेरे साथ भी था पहले, लेकिन यही चाहूँगी कि सब महिलाओं को एक जगह करके उसके शक्तिकरण को बढ़ावा दूँगी, और चाहूँगी उसकी समस्या जो वो बता नहीं पाती है, घर में भी किसी से नहीं बता पाती, वो मुझे बताएंगी और मैं उसे दूर करना चाहूँगी। घर में जिस तरह से आपका चुनाव पे आना, क्या पति या घर पे किसी परिवार के दबाव है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर आप कोऑपरेट कर रहे हैं घर से? नहीं, मुझे घर से सभी कोई कोऑपरेट कर रहे हैं और बोल बहुत खुश है घर के सभी लोग, और चाहते हैं कि मैं जीतूं और मैं कुछ कार्य करूं समाज के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी सासू माँ का है और मेरे जितने भी हैं घर के सदस्य जी, सभी लोग का जी आपका सहयोग है। हमारे दर्शकों को एक बता देना चाहते हैं कि जो मैडम अभी थी प्रत्याशी काके 19 से, उनके हस्बैंड जो है वो लगातार 25-30 सालों से एक राजनीतिक पार्टी पे है, राष्ट्रीय पार्टी पे काम कर रहे हैं और समाज का सेवा करते हैं। उन्हीं की पत्नी है और हमारे साथ इस वक्त वो भी मौजूद यहाँ पे है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, आप तो 25-30 साल से राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है क्षेत्र पर आप समय भी दे रहे हैं, क्षेत्र को जानते हैं, कहाँ के क्षेत्र को। हमारा प्रयास रहेगा, कुछ मेरा भी अपना अनुभव है, हम चाहेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हमसे लोगों को हो, ताकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो कि हर आदमी को हर चीज़ का अनुभव नहीं है, लेकिन हम लोग के पास से बहुत सारा है जो कि हम बाहर से भी फंड ला सकते हैं। और दरअसल कुछ बात ऐसा है कि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम प्रखंड अध्यक्ष पूरा कांके जनता है कांग्रेस पार्टी का है और सरकार भी कांग्रेस पार्टी का है, तो हमारा अगर से ये रहा तो मैं राज्य सरकार का भी बहुत सारा फंड इस क्षेत्र में ई करके कांके का विकास कैसे हो, यहाँ के लोग अपने पैर में कैसे खड़ा हो, हर घर में का खुशहाली कैसे हो, इसके लिए हम लोग रात दिन
चूँकि हम मेहनत करते थे, अब मेरे साथ मेरी पत्नी साथ में है, तो हम लोग मिल के एक अच्छा दिशा निर्देश इस क्षेत्र को देने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप हवाला दे रहे हैं कि आपकी सरकार है कांग्रेस पार्टी पे, आप पहले से कार्यकर्ता हैं, उसके पदाधिकारी हैं, कांग्रेस इस वक्त जो है राज्य में सत्ता पे है और आप बोल रहे हैं कि क्षेत्र पे हम यहाँ पे फंड भी लाएंगे, लेकिन पंचायती चुनाव का एक अलग व्यवस्था है, पंचायती राज तो अलग, वहाँ फंडिंग होता है, पंचायत का अलग से प्रावधान होता है, पंचायती व्यवस्था अलग चीज़ होती है, आपकी पत्नी जिला परिषद सदस्य बनेगी, उस पर आपका क्या हस्तक्षेप रहेगा, आप कैसे उस पर? पत्नी जिला परिषद सदस्य रहेगी, लेकिन पत्नी हाथी का दांत दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ अनुभव कुछ और होता है। पत्नी या और बहुत सारे जिला परिषद सदस्य बनेंगे, मानता हूँ मैं, लेकिन जो आज के डेट में ग्रामीण विकास मंत्री हमारे गार्जियन आलमगीर आलम साहब हैं और चार मंत्री मेरे कोटा से हैं, गठबंधन के बहुत सारे साथी, बहुत मंत्री मेरे करीबी हैं, हम लोग का प्रयास रहेगा कि बच्चों को कैसे स्कूल भेजे, नौजवान जो आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र में हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज जो भी यहाँ पे सरकारी संस्था है वो कांके क्षेत्र में है, और कांके क्षेत्र का अगरचे हमारी पत्नी जिला परिषद सदस्य बनती है तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा जो भी वैकेंसी होगा यहाँ के लोगों का होगा, इसके बाद बाहर का आदमी को होगा, चूँकि कोविड काल के चलते कोविड में अब कोई आदमी बाहर जाना नहीं चाहता है, पहले यहाँ के लोग आसाम में और दिल्ली और मुंबई और सऊदी में जाके काम करते थे, अब सारा काम धाम ठप हो गया है, यहाँ बाहर के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का पहला प्रयास होगा, आज हमारे यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, रीन पास है, बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज है, मेट्रोलॉजी है, सारा संस्था यहाँ पे है, CCL है, ISCM है, तो यहाँ पहला प्राथमिकता होगा कि यहाँ के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको किसी हाल में यहाँ पे नौकरी दिलाना, ये पहला प्राथमिकता है हमारा, है ना, इस पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि रोजगार बहुत ज़रूरी है, आज बहुत सारे नौजवान साथी भटक रहे हैं पूरा डिग्री लेके, उनके पास नौकरी नहीं है, उस पे प्रयास हम लोग करेंगे। तो निश्चित तौर पे कुल मिला के माना जाए कि आप जो 25-30 साल का आपका जो सामाजिक कार्य रहा है उसका अनुभव आपकी पत्नी को उसका लाभ मिलेगा, यही है, और निश्चित तौर पर आपकी पत्नी अगर चुनाव जीत के आती है और जिला परिषद की मेंबर बनती है तो आप अपने पत्नी को गाइड कीजिएगा, हर स्तर से आप उन्हें वाच कीजिएगा, किस तरह से गाइड करके कहाँ से विकास करना है, किस तरह से उनका, कुल मिला के आपका अनुभव जो है इनको आप साझा कीजिएगा और उनका फ़ायदा पहुँचाइएगा, यही कहना था संजय खान जी का। फिलहाल हम ये देखेंगे आगे कि फरीदा जी जो हमारे कांके 19 जिला परिषद की चुनाव लड़ रही है उस पर जनता इन पे कितना विश्वास करती है और क्या कांके 19 की जो है जिला परिषद सदस्य का जो सहरा है क्या इनको पहनाती है या नहीं, ये वक्त ही तय करेगा।